ट्रिप बंदे मेरे पूरे फायर लड़की बातें कुछ भी गाने देते पूरी वाइब बात बता के मैं ले लूंगा तेरी ढक्कन खोल पे डालूं मैं सूली पड़ेगा टप टप रुकेगा कौन बे भेज मी लॉन्डे करूं मैं फोन बे बट मैं जून में भाई फ्लो एक नंबर चेंज कर रहे हो और भाई जो राइमिंग ले रहे हो मजा आता है ब्रो समझ रहे हो वाइब आता है यार वाइब 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 व्हाट्सअप एवरीबॉडी दिस इज अलियन सारी वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो फिर से आपका स्वागत है मेरे 8 लाख के स्टूडियो में आप फिर से आग्रह ले सबको बता रहे हिप हॉप क्या ये सबको समझा रहे ले क्या बोलती पब्लिक तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी दिस इज अलियन सारी वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो बेबी तो क्या बोल रहे ले भाई शिव भाई ने सबको भेज दिया अपने पास तो अपन सबको कवर कर रहे ले एक एक करके तो भाई सपोर्ट करते रहिए सपोर्ट बनाते रहिए शिव भाई को भी सपोर्ट करिए और मुझे भी थोड़ा बहुत कर लीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए तो भाई शुरू करते भाई आगे की बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला वीडियो लिया हूं दीप भाई का जो कि कलाकार है जो रैपर है जो इंडियन आर्टिस्ट है जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए ऐसा मुझे लगा तो मैं कर रहा हूं सपोर्ट ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो 2020 का गाना है प्राउड बाय मालूम नहीं आगे का लिस्ट दिखता नहीं है मेरे को तो जितना नाम दिखा उतना ही बड़ा प्राउड बाय दिख रहा है और वो कुछ तो है ऐसा तो भाई थोड़ा फन करेंगे थोड़ा मस्ती करेंगे थोड़ा चिल करेंगे भाई बोरिंग नहीं होना मांगता है वीडियो अपना वीडियो सब देखना मांगता है सबको मजा आना मांगता है तो क्या बोलती पब्लिक शुरू करने का मैं अली अंसारी माइम 16 से मुंबई महाराष्ट्र शुरू करते आगे का बिना किसी का कू की के बिना पब्लिक तो भाई के गाने सुन लेंगे नहीं क्या फील करेंगे वो वाड़ा म्यूजिक ब्रो भाई बंदा दिल्ली से गाड़ी का नंबर दिख गया हाँ अपना नजर बहुत तेज है यो भाई वो आपका म्यूजिक के हिसाब से ना ब्रो एक 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 मैं दूंगा एक अपनी तरफ से भाई अपनी तरफ से एक मेरा एक होता है कि हर वीडियो में अपनी तरफ से कुछ ज्ञान देने का थोड़ा बहुत समझ भाई आपका ना क्या है ना मालूम क्या मैं इसके पहले भी आपका एक वीडियो सुना मैंने उसके अंदर भाई उसके अंदर क्या सीन था आपका जो वॉइस है ना आपके बीट पे समझ में नहीं आ रहा जिस हिसाब से बीट था वो गाने पे एक्चुअली मैं रिएक्शन करने वाला था बट किया नहीं क्योंकि वो गाने में मेरे को बहुत सारे फॉल्ट दिखे आपके तो नहीं करने का था मेरे को वो गाना क्योंकि मैं बोला नहीं दूसरा वीडियो चेक करता हूँ भाई का तो बेटर रहेगा तो उस पर रिएक्शन देंगे तो ये आपका मेरे को बेस्ट वीडियो लगा और उस पर माशाल्लाह व्यूज भी अच्छे आए हैं 24K तो भाई ऐसे ही गाना बनाओ इसमें तो भी समझ में आ रहा है उसमें बीट के हिसाब से तो अगर आप अगली बार जब गाना बनाओगे मेरे तरफ से राय भाई ऐसा आपको क्या फील करते हैं आप नो इश्यू बट मेरे तरफ से आपको राय है कि आप अपने आवाज को थोड़ा डीप करो थोड़ा हार्ड रखो के पब्लिक को और मिक्सिंग मास्टरिंग में जरा ध्यान दो जो भी आपका गाना मिक्सिंग मास्टरिंग वगैरह करेगा तो उसे समझाओगे ब्रो वोकल और बीट सेम पोजिशन में मिक्स करो आप आवाज अपना वॉइस का वोकल का जो साउंड है वो कम कर देते हो और म्यूजिक का बढ़ा देते हो उसकी वजह से बेस मारता है ना तो आपके लिरिक्स समझ में नहीं आता आप नक्की क्या बोल रहे हो पक्का क्या बोलना चाह रहे हो ठीक है तो इसके अंदर समझ में आ रहा है दैट्स अ बेटर दैट्स अ गुड क्वालिटी योर रैप म्यूजिक साउंड भी अच्छा आ रहा है ठीक है इसमें थोड़ा समझ में आ रहा है उसमें तो बिल्कुल नहीं आ रहा था तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा ब्रो डीप डीप भाई गला मेरी बोले आना चाहती भार ब्रो गरीब बात मैंने बनने मांगे दाम ब्रो बैक स्टेज खड़ा मैं तो ऑन द फैक्ट बेस गला छोड़ बंदे जज करें जेब देख कलाकार रुका तूने मेरी गला नहीं घर आके बंदे मांगे वीडियो एक नंबर शूट किया है भाई तुमने और भाई क्या चमक रहे हो यार बाप का चश्मा बहुत शूट कर रहा है आपके ऊपर मेरे ऊपर मैं काला कलर उल्टा हूं भाई एडिटिंग करके खुद को गोरा कर लूंगा तो मैं गोरा नहीं उतना मैं सावला हूं काला कलर उल्टा हूं ठीक है और भाई लिरिक्स बहुत बेटर म्यूजिक एक नंबर और वीडियो शूट भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया भाई करते रहो भाई भाई बहुत मचा रहे हो तुम यार तुम मतलब समझ रहे हो मजा आता है यार कोई आर्टिस्ट अगर अच्छा कर लेवल पे जा रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं ना तो भाई खुशी मेरे को बहुत ज्यादा होती है क्योंकि भाई मैं इतने साल से ये फील्ड में हूं क्यों सपोर्ट नहीं मिल रहा है और मैंने बहुत सारे लोगों को कन्विंस भी किया था भाई मेरे वीडियो का प्रमोशन करो तो भाई बिना पैसे ये काम नहीं होती इस दुनिया में तो हमने ये ठेका लिया हुआ है कि बिना पेड प्रमोशन के रिएक्शन देंगे क्योंकि मैं खुद एक रैपर हूं तो मैं लोगों की भावनाएं समझ सकता हूं और लोगों की ये समझ सकता हूं अपने म्यूजिक वीडियो में इतना खर्चा करके अगर व्यूज नहीं आया तो कैसा लगता है मैं फील कर चुका ये बात तो ठीक है
एक नंबर काम है भाई, करते रहो, कुछ सपोर्ट होगी मेरे तरफ से तो मैं पुश करूंगा आपको, ठीक है। और ये तो पुश कर ही रहा हूं वीडियो, आगे फ्यूचर में और बढ़िया आएगा तो मैं डेफिनेटली आपका वीडियो रिएक्शन वंस अगेन बना दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का रिएक्शन बना चुका हूं। तो लोग के नए नए गाने आते, लोग भाई बोलते भाई ये गाना चेक करो, बताओ आपका राय दो, रिएक्शन बनाओ। रिएक्शन तो नहीं बनाता बट राय जरूर देता हूं कि भाई बहुत बेटर है, पहले से बेटर है, क्योंकि मैं याद रहता है मुझे भाई जी जिसका गाना बनाता हूं, लोगों का नाम याद रहता है मुझे, नाम याद आता मतलब मैंने लिस्ट बना के रखा तो ऑब्वियसली उसके अंदर उन लोग का नाम रहता ही है। और इंस्टाग्राम पे करेंगे तो पुराने मैसेज ओपन हो जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बंदा का कितना ग्रो कर रहा है, कि मेरे बोलने से किसी के गाने में फर्क आता है तो बहुत बढ़िया है ना ब्रो, कि बाबा अपनी बात सुन रही है पब्लिक, नहीं क्या। तो ये भाई ध्यान में रखो कि भाई मैं जो बोलता हूँ वेस्ट नहीं जाता है, वो होता है ब्रो। तो तुम भी अपने आप में जरा इंप्रूवमेंट लाओ और मजे लो, और ये गाना तो काफी बेटर है ब्रो, वो पहले जो सुना था उससे तो 100 गुना अच्छा लगा मेरे को ये गाना। अभी भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं भाई, शिव भाई क्या कर दिया तुमने, मैं इतने जन को एक दिन में कवर नहीं कर पाऊंगा बट सबको कवर करूंगा, हर एक दिन में 2 गाना आएंगे, उसमें शायद आप भी हो सकते हो, तो भाई लगे रहो। भाई मैंने चेहरे देखे बहुत, मुझे याद नहीं है, छोड़ा साथ मेरा जब मुझे साथ चाहिए, बोला जल्दी। ये बात तो है भाई, जब साथ जाता है ना तो पब्लिक अपनी पब्लिक साथ छोड़ देते हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखे कि अपनी पब्लिक से ज्यादा बातें शेयर ना करें, क्योंकि अपने लोग ही साफ होते हैं। और कोई कोई, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, कोई कोई होते ऐसा, ठीक है। तो ब्रो ध्यान रखे, अपने गाने किसी को शेयर ना करे अनरिलीज से, रिलीजिंग से पहले, ठीक है, क्योंकि लीक हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है इस बात का। जैसे मिलिंद काबा के साथ भी हुआ था ये सीन, आपको तो पता ही होगा, ठीक है, समझ लो। कुछ भी गाने देते पूरी वाइब, बात बता के मैं ले लूंगा तेरी टकन, खोल बेटालू में सूरी भाई। फ्लो एक नंबर चेंज कर रहे हो, और भाई जो राइमिंग ले रहे हो मजा आता है ब्रो, समझ रहे, वो वाइब आता है यार, वाइब वाइब वाइब, समझ रहे क्या ब्रो, अवर हो जाएगा ब्रो, मजे लो मजे लो। या नो ब्रो यू आर राइट, कहीं मैंने बात नहीं चल रहा सफाई, लड़के बोले मुझे वाना भी जॉय, 3 दिन बीते देखा नहीं खुद को मैं, ये हुक लाइन है आई थी भाई का, या तो भाग देखा नहीं मुड़ के मैं, मरू बस मैं तो गानों से मेरे अबे ले रहा तो वाल के रहे, पैसा नहीं कला भरी पड़ी जेबों में। ओ व्हाट अ लाइन भाई, व्हाट अ लाइन, पैसा नहीं कला भरी पड़ी जेबों में ब्रो, यही सीन है, यही इंडियन आर्टिस्ट का सीन है भाई, पैसे नहीं है भाई, ना स्पॉन्सर मिल रहा है, ना कोई सपोर्टर मिल रहा है, ना कोई प्रमोशन करने वाला मिल रहा है, लेकिन कला बहुत है भाई इंसान के अंदर, ये भाई बहुत फैक्ट चीज बोली है तुमने, और सब लोग ध्यान में डाल दो, जिसके पास कला है उसको कोई नहीं रोक सकता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्लिक होगा और ये बंदा आगे निकल जाएगा। खेलों में मुझे मौका दो, एक मैं तो खोल दूंगा रास्ते, ऐसे ऐसे बंदे बने बैठ रैपर, जिनको आता नहीं कुछ भी खास नहीं, असली रैपर 200 व्यूज खा के बैठ देगा कोई इनका साथ नहीं, फनी मीम फनी रैपर वाले सीन होते जीरो, असली कम जनता को राज नहीं, मैं तो चल दिए सब छोड़ बंगड़ा, आगे जाके देखा कुछ वाना फील बेटा, मोटिवेट करा गुस्से में मुझ को, मैं आखिर रात ही लाल रहता मैं गुस्से में, हो नहीं भाई मेरा काम ठीक, मैं तो गला ठीक चाहिए ना साथ रो, मुझे रोगो नहीं आज मुझे कहन दो, गुड ऑफ मेरा पेलू इनको बैठ जो, नो ब्रो यू आर राइट, करी मैंने बात नहीं चल रहा सफाई, लड़के बोले मुझे वाना भी जॉइन, 3 दिन बीते देखा नहीं खुद को मैं, लिखो गाने जब मिलता नहीं खुद को मैं, यार दोस्त भागे देखा नहीं मुड़ के, ये हुक लाइन भी अच्छा है लेकिन थोड़ा गानों से मेरे अबे ले रहा म्यूजिक ज्यादा आ रहा है डीप। तो भाई दीप भाई एक नंबर गाना था भाई, और देखो अपन ने जो भी बोला है सब फैक्ट है, मेरे को लगता है ऐसा, आप लोगों को क्या फील है बता देना, अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो एक छोटा सा क्लिप मेरे लिए भाई, मेरे ये समझ लो मैं अपना काम का आपसे ये मांग रहा हूँ, छोटा सा क्लिप बनाओ, मेरा नाम ले लीजिए शिव रिएक्शन भाई का, शिव रिएक्शन किंग का भी नाम ले लीजिए, छोटा सा क्लिप बना के मुझे सेंड करो,
जिसके अंदर हम लोग को ट्रिब्यूट दो और हम लोग का काम बताओ कैसा लगा है आपको, लाइक दिस के भाई ये फलाना ढिंकाना लोग ये अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा सा काम कर रहे हैं, ये हमको अच्छा लगा कि छोटे आर्टिस्ट लोग को आप सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक्स फॉर ऑल। और मेरा नाम और शिव भाई का नाम ले लीजिए और वो क्लिप भेजिए, अगर हमको अच्छा लगा तो हम अगले किसी के गाने में ये क्लिप लगा देंगे, फ्रंट में या बैक में जो भी जगह पे फिट होगा उस जगह पे लगा देंगे या मिडल में। तो आप लोग प्लीज इतना मेरे लिए करना, हम आपके लिए इतना कर रहे तो आप लोग इतना मेरे लिए करना, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो भेज देना तो बाकी देखते हैं ब्रो, अगर इंस्टाग्राम से मैं डाउनलोड नहीं कर पाया तो मैं पर्सनली आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना मुझे वो क्लिप। तो चलते भाई नेक्स्ट वीडियो की तरफ, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, मस्त रहिए, सतर्क रहिए और ऐसी हिप हॉप कल्चर को आगे बढ़ाते रहिए। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, पीस आउट पब्लिक।